आज अपन मूव ऑन करेंगे अपने दूसरे फाइल हैंडलिंग फंक्शंस की तरफ, प्राइमरली एफ प्रिंटएफ और एफ स्कैनर। मैं इन फंक्शंस को यूज इसीलिए करूंगा क्योंकि जो मेरे एफ पुटसी और एफ गेटसी है ना, वो कैरेक्टर बेस्ड डेटा पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं नंबर पास करूं या अल्फाबेट्स पास करूं या स्पेशल सिंबल पास करूं, वो सारे के सारे एज अ कैरेक्टर बिहेव होंगे। पर एफ प्रिंट एफ की मदद से मैं इंटीजर वैल्यूज भी फाइल में भेज सकता हूं, और एफ स्कैन एफ की मदद से मैं जो फाइल के अंदर जो वैल्यूज पड़ी है, न्यूमेरिक वैल्यूज, उनको उनके जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर वैल्यूज अगर नंबर्स पड़े हुए मेरे फाइल के अंदर, तो मैं उन्हें एज नंबर्स रिट्रीव कर सकता हूं। ठीक है, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, काफी हद तक आपने जो इतने टाइम से प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन पढ़ रहे हो उनके जैसे हैं। बस फर्क यह है कि जो अपना टारगेट डिवाइस है ना, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट एफ क्या काम करता है, तो आप क्या कहोगे, चैट में बताओ। प्रिंट एफ क्या काम करता है? कहां पे? बिल्कुल सही, पर कहां प्रिंट करता है? बिल्कुल सही, आउटपुट प्रिंट करता है, पर प्रिंट कहां करता है, यही एक्चुअली डिफरेंस है। ये बिल्कुल सही, ये प्रिंट करता है आपके आउटपुट स्क्रीन पे, जो कि डिफॉल्ट आपका आउटपुट डिवाइस है, क्या है वो, मॉनिटर। तो मॉनिटर पे आपके जो डेटा है उसको प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो डेटा है उसे कहां प्रिंट कर रहा है, ये स्क्रीन पे, है ना। तो एफ प्रिंट एफ कहां प्रिंट करेगा? एफ प्रिंट एफ कहां प्रिंट करेगा, अंदाजा लगाओ, फाइल में। बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसी तरह से, ये तो था एफ प्रिंट एफ, उसी तरह से मेरे पास है स्कैन एफ। स्कैन एफ इनपुट लेता है ना, कहां से इनपुट लेता है? और बिल्कुल सही हार्दिक, यूजर से लेता है। और यूजर फिर किसके थ्रू इनपुट दे पाता है? कीबोर्ड की मदद से, है ना। डिफॉल्ट आपका जो डिवाइस है स्कैनएफ के लिए वो है कीबोर्ड। एक्चुअली डिफॉल्ट डिवाइस अपना माउस नहीं है, वो कीबोर्ड है। आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे माउस प्रॉपरली यूज थोड़ी कर सकते हो, हालांकि आप इसे पता है चेंज कर सकते हो, आप माउस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर वो अपने अनफॉर्चुनेटली स्कोप में नहीं है। स्कैनएफ का डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो अब अगर मैं बात करूं एफ स्कैनएफ की, जिस तरह से स्कैनएफ इनपुट लेता है कीबोर्ड से, तो एफ स्कैनएफ का डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस क्या हुआ, वो कहां से इनपुट लेगा? बिल्कुल सही, फाइल से। ये केबीसी के सवाल जवाब जब करता हूं ना, तो जवाब अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ क्या करता है। एफ प्रिंट एफ फाइल में डेटा प्रिंट करता है, एफ स्कैन एफ फाइल से डेटा रिट्रीव करता है। यश मुझे मिलते हैं, मैं ही जीत रहा हूं, आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान, इसकी कोई कीमत नहीं है, और वो भी मेरे थ्रू, मजे ही मजे हैं फिर तो। चलो अपन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एफ प्रिंट एफ की, ठीक है। एफ प्रिंट एफ में अगर आपको, थैंक यू सो मच यश, एफ प्रिंट एफ की अगर मैं बात करूं तो ये तीन आर्ग्यूमेंट लेता है। अब आपको याद है प्रिंट एफ क्या लेता था आर्ग्यूमेंट? प्रिंट एफ लेता था सबसे पहले आपका टेक्सुअल डेटा या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसको मैं कंट्रोल स्ट्रिंग बोलता था, और उसके बाद वेरिएबल्स,
है ना, यही लेता था। पर एफ प्रिंट एफ एक और आर्ग्यूमेंट लेता है, एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, ये बताने के लिए कि आपका फाइल पॉइंटर कहां पे, आपका कौन सी फाइल में आपको डेटा भेजना है। तो यहां पे आपको फाइल पॉइंटर और बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सिंगल नंबर भेजना है, एफ प्रिंट एफ, और एक सिंगल नंबर भेजना है, जैसे कि फाइल के अंदर मुझे इंटीजर वैल्यू भेजनी है परसेंट डी, जो कि आई के अंदर स्टोर्ड है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आवाज अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो एफ प्रिंट एफ यहां पे देखो क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू फाइल के अंदर भेजेगा। ये जो सिंगल वैल्यू आई है ना, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए परसेंट डी, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं और समझो इस चीज को, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए एक फाइल ओपन करते हैं, फाइल पे मैंने देखो यहां पे फाइल पॉइंटर बना दिया है, ठीक है, फाइल पॉइंटर बना दिया है, और फाइल के थ्रू मैं एफ ओपन कर रहा हूं, लेट्स से स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसे मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं, जिसे बाद में मैं चेंज करता रहूंगा। अब देखो एक इंटीजर वेरिएबल भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं, इंट आई, बिल्कुल आप इसे लैपटॉप में भी बना सकते हो, हाँ यश, अपन अपेंड भी कर सकते हैं। स्टार्ट मैं राइट मोड से कर रहा हूं, तो देखो आई वेरिएबल लिया और मैंने लेट से आई की वैल्यू सेट कर दी 10। एफ प्रिंट एफ क्या करेगा, फाइल के अंदर डेटा भेजेगा। उससे पहले मैं छोटा सा एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ फाइल इक्वल्स टू नल, ओपन फाइल और रिटर्न जीरो, ठीक है, एल्स एफ प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है मुझे, मुझे प्रिंट करना है आई की वैल्यू। तो मैंने यहां लिख दिया परसेंट डी कॉमा आई, जैसे बिल्कुल प्रिंट एफ लिखते हैं। देखो बस एक चीज और अपन को यहां पास करनी है, फाइल का पॉइंटर, तो मैंने फाइल पास कर, ठीक है। सो अब देखो मेरा काम हो गया, यहां पे लास्ट में मैं फाइल क्लोज कर देता हूं, फाइल, और अब मैं इसे अगर रन करता हूं दोबारा ट्राई करूंगा तो हो गया। देखो यहां पे मेरी स्टूडेंट फाइल बन गई है, इसके अंदर मैं ओपन करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल गई 10, ठीक है ना, मुझे वैल्यू मिल गई 10। मैं अगर दूसरी वैल्यू अगर पास करना चाहता हूं, तो जैसे मान लो मैंने आई की वैल्यू यहां पे 20 रख दी, मैं फिर से रन करता हूं तो देखो 20 भी चला गया, 10 रिमूव हो गया क्योंकि मैंने इसे राइट मोड में रखा है, ठीक है ना, 10 रिमूव हो गया क्योंकि मैंने इसे राइट मोड पे रखा है। ठीक है, मैं मल्टीपल वैल्यूज भी भेज सकता हूं, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहां मैंने लूप लगा दिया। तो क्या होगा, देख रहे हो आप, यहां पर मैंने लूप लगा दिया। अब ये जो लूप की वैल्यूज हैं, ये कहां फाइल प्रिंट हो जाएंगी, फाइल के अंदर। अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये देखो मेरा पूरा लूप इधर आ गया, पूरा लूप की सारी वैल्यूज मेरे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी में चली गई, ठीक है। मैं इसे फिर रन कर रहा हूं तो देखो सेम वैल्यूज आ गई है। मैं इनफैक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूं, जैसे अच्छा एक स्पेस में यहां पे पुट कर रहा हूं ताकि रीडेबल हो। मैं रन करता हूं तो देखो ये मेरी सारी वैल्यूज 0 से लेकर 19 तक प्रिंट हो गई। डिफरेंस देखो नोट करो, मैं यहां पे W की जगह अगर A लिख देता हूं और रन करता हूं तो मेरा पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा। एज यू कैन सी, ये देखो मेरा पहले जो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट किया था ये उसका आउटपुट है, और जबकि ये सेकेंड लाइन का आउटपुट है ना। मैं ऐसे फिर रन करता हूं तो
तो देखो मेरा डेटा एड होता जा रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन W एंड A, है ना. तो मैं ऐसे अगर देखो फिर से W कर देता हूं तो जो प्रीवियस डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा और ये देखो मेरे पास काउंटिंग फिर से आ गई. मैं सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो नॉर्मल प्रोग्राम में करता हूँ वो कर सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे आई को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 3 की टेबल 20 तक जो है वो जाएगी. ये देखो ठीक है. तो आप यहाँ पे जहां पे एफ पुट सी और एफ गेट सी में आप क्या कर रहे थे, आप कैरेक्टर्स भेज रहे थे और कैरेक्टर्स रिट्रीव कर रहे थे. यहाँ पे अगर आपको दूसरा डेटा टाइप भेजना है तो आप वो भी भेज सकते हो. जिस तरह से प्रिंटर स्कैनर इतने फ्लेक्सिबल हैं, परसेंट डी इंटीजर के साथ काम कर सकते हैं, वो फ्लोट वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स के साथ काम कर सकते हैं, वो किसी भी तरह की वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना. उसी तरह से एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैनर भी किसी भी तरह की वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं. अब अगर आपको कोई डाउट है इस प्रोग्राम में तो मुझसे पूछ सकते हो आप चैट में, या फिर यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन डिस्कस विथ यू. हाँ यश, रीड करना सिखाऊंगा मैं, पहले एक बार फंक्शन क्लियर हो जाए. एफ प्रिंट एफ सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? ओके. अभी सिर्फ एफ प्रिंट एफ ही तो बताया है, एफ स्कैनर भी बताऊंगा. तो जिस तरह से आप एफ प्रिंट एफ की मदद से फाइल में डेटा भेज रहे हो, अब मैं आपको बताऊंगा फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं. तो अब आप मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम में ही मैं चेंजेस करूं या नया प्रोग्राम बनाऊं. मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर देता हूं. जस्ट अ मिनट. अपन फिर ये नहीं लिख सकते ना, इसमें एरर दे देगा. नहीं एरर देगा, एरर नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा वो. अच्छा, और सर ए में क्या होगा अगर ए में अपेंड होगा? मतलब जो प्रीवियस डेटा है ना, जो प्रीवियस डेटा है वो आप मतलब उसमें एडिशंस कर सकते हो. W के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो हमेशा ओवरराइट होगा, मतलब नया डेटा होगा. अपेंड में हमेशा अटैच होगा पुराने डेटा में. ओके सर, ठीक है ना. मैंने आप लोगों के साथ मेल आईडी शेयर की है चैट में. आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे मेल पे सेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर चैट में भी शेयर कर सकते हो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. अब मैं आपको बताऊंगा एफ स्कैनर के बारे में. इसके लिए आप नोट करो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा एंड दैट फंक्शन इज नोन एज रिवाइंड, ठीक है. आप देखो कि जब मैं यहाँ पे student.txt पे हूं तो मेरा कर्सर है ना लास्ट में है, 57th पे है. तो मुझे अगर रीड करना है तो मुझे पूरा प्रोग्राम फिर से रीड करना पड़ेगा ना. तो मुझे अपने कर्सर को कहाँ ले जाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में. तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आपको पता है ना रिवाइंड का मतलब क्या होता है. रिवाइंड मतलब आप अपने जो ट्रैक है, म्यूजिक का ट्रैक है, आप उसे वापस से उसके स्टार्टिंग में जाते हो. तो रिवाइंड फाइल मेरे कर्सर को कहाँ ले जाएगा? स्टार्ट ऑफ द फाइल, ठीक है ना. तो 20th लाइन क्या कर रही है? मेरे कर्सर को स्टार्ट ऑफ द फाइल में लेके जा रही है ताकि मैं अपने सारे डेटा को स्कैन कर सकूं, ठीक है. अब देखो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और फंक्शन भी बताना चाहूंगा. दैट फंक्शन इज कॉल्ड FEOF. ये FEOF फंक्शन एक न्यू टाइप का फंक्शन है जो कि फाइल के अंदर जो एंड ऑफ फाइल कांस्टेंट है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था EOF के बारे में, ठीक है ना. ये उसे ढूंढ के ढूंढता है ना. क्या करता है? इट लुक फॉर दी EOF कांस्टेंट, है ना. और अगर इसे मिल जाता है, इफ इट रिटर्न्स अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है ना. अगर इसे मिल जाता है तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, नहीं तो ये क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स जीरो,
मतलब जब तक इसे डेटा मिलता रहेगा ये जीरो रिटर्न करेगा, जैसे ही इसे एंड ऑफ फाइल कॉन्स्टेंट मिलता है ये नॉन जीरो रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं फाइल से डेटा स्कैन कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फाइल का एंड आ गया? एंड ऑफ फाइल से, जो अब मैंने आपको बताया था एफ गेट सी और एफ पुट सी जब मैं आपको बता रहा था, तो एफ ईओएफ भी यही काम कर रहा है हमारे लिए। पहले मैं खुद मैनुअली ढूंढ रहा था, एफ ईओएफ अब मेरा काम करेगा। तो इस फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे आपको एफ स्कैन एफ से डेटा रिट्रीव करना सिखाऊंगा। अरे यार आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? आपको पता है क्या हुआ है? अब पर मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ठीक है ना? क्या किया मैंने यहां पे सेकेंड 22nd लाइन में देखो, मैंने वाइल के अंदर लिखा है एफ यू एफ फाइल इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल फंक्शन को डेटा मिलता जा रहा है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? जीरो। तो जब तक ये वैल्यू ट्रू है तब तक ये क्या करता रहे? आई के अंदर वैल्यूज को स्कैन करता रहे। और अब मैं उसे यहाँ पे हाथों हाथ प्रिंट एफ भी करवा देता हूँ, तो प्रिंट एफ परसेंट डी स्पेस, तो वैल्यू जो है वो एक एक करके आई में आती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। याद रखो ये एक सिंपल वेरिएबल है इसलिए ओवरराइटिंग होती जाएगी। तो लेट अस सी, पहले स्टूडेंट के अंदर देखो मेरे पास ये वैल्यूज पड़ी। एक और चेंज मुझे करना है, मुझे यहाँ पे इसे डब्ल्यू की जगह क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू प्लस, ताकि मैं रीड भी कर सकूं, है ना? अभी तो सिर्फ राइट कर रहा हूँ। अब मैं इसे रन करता हूं तो एज यू कैन सी मेरे पास सारी वैल्यूज देखो स्क्रीन पे आ गई जो मेरे फाइल के अंदर थी, ठीक है ना? मेरे फाइल में देखो ये वैल्यूज थी, यू कैन कंपेयर, ऑल दी वैल्यूज आर हियर। ओके, आया समझ में आपको कैसे काम कर रहा है ये एफ स्कैन एफ? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप मुझसे चैट में। आप अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। देखो आई के अंदर मेरी इंटीजर वैल्यूज है, तो अब आप इंटीजर में कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ओके, देखो अपना एक फंक्शन मैंने यहां पे 20th लाइन में लिखा है रिवाइंड। अच्छा मुझे बताओ रिवाइंड का मतलब क्या होता है? What do you mean by rewind? General अगर format में आपसे पूछूं मैं, rewind का मतलब क्या होता है? आपने टेप रिकॉर्डर में देखा होगा ना rewind? नहीं क्षितिज, replay नहीं होता है। replay का मतलब यह है कि आप पीछे जाके play कर रहे हो। rewind का मतलब है कि full speed के साथ आप starting में पहुंच जाओ, है ना? rewind यहां पे भी यही कर रहा है, full स्पीड के साथ आप स्टार्टिंग में पहुंच जाओ। देखो ये चीज आप भी जानते हो, ये चीज आप भी जानते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ओपन करता हूं और यहां पे कुछ लिख लेता हूं, नोट करो मैंने यहां पे 12 लिखा, तो देखो कर्सर 12 के बाद आ गया, के बाद मैंने 13 लिखा तो 13 जो है वो 12 के बाद आ रहा है, फिर मैंने 14 लिखा वो 14 13 के बाद आ रहा है, मेरा कर्सर देखो शिफ्ट होता जा रहा है। अब अगर मुझे 12 को रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ, मुझे अपने कर्सर को कहां ले जाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में, है ना? बस यही काम रिवाइंड करता है, यही काम रिवाइंड कर। ओके, तो रिवाइंड के अंदर मैंने फाइल पास कर ली, तो ये पर्टिकुलर फाइल जो कि स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी को पॉइंट कर रहा है वहां जाके कर्सर को कहां ले जाएगा? बिल्कुल स्टार्ट। आया समझ में आपको रिवाइंड?
अब देखो नवप्रीत, मैं वो भी बताऊंगा आपको, मैं आपको इसके आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किस तरह से मैं कर्सर को कहीं भी किसी भी पोजीशन पे ले जा सकता हूँ। डोंट वरी, अपन ये भी डिस्कस करेंगे, स्लोली वी विल मूव। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था 22nd लाइन पे, मैं एक बार इस लाइन को हटा रहा हूं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा? तो ये दोनों लाइन क्या करेंगी? एफ स्कैनर एक बार में सिंगल वैल्यू ही रीड करता है, तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखो एक सिंगल वैल्यू रीड हो रही है। स्टूडेंट के अंदर फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? देखो इधर, जीरो, और यही जीरो यहां पे रीड हो गया है ना। पर मुझे तो ये सारी वैल्यूज रीड करनी है, तो अब यहां पे मेरे पास कम से कम 20 वैल्यूज है, 20 वैल्यू के लिए 20 बार स्कैनर थोड़ी लिखूंगा मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लूप लगाना पड़ेगा। अब लूप मैं खत्म कहां करूंगा? सबसे बड़ी बात, यहां तो मुझे दिख रहा है कि 57 पे खत्म हो रहा है, पर मान लो अगर आपको फाइल का डेटा नहीं पता है तो आप बेसिकली क्या करोगे? यहां पे एंड ऑफ फाइल का ढूंढोगे। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पे वाइल लगाऊंगा, लूप लगाने की वजह यह है। दूसरा, एंड ऑफ फाइल को ढूंढूंगा, इसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया है FEOF, ठीक है, और इसके अंदर मैंने फाइल पास कर दिया है। FEOF अपने आप मेरे एंड ऑफ फाइल को ढूंढ देगा, ठीक है, और जैसे ही इसे मिल जाता है, याद रखो जैसे ही FEOF को, इफ FEOF फाइंड द UF constant, ठीक है ना, ये क्या रिटर्न करता है? नॉन जीरो वैल्यू। तो जब तक इसे डेटा मिलता रहेगा, जब तक इसे डेटा मिलता रहेगा, तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? जीरो। ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? जीरो रिटर्न करेगा, है ना। ये वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा, तो मैं बस इसको यहां पे यही शो करूंगा। इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाइल FEOF इक्वल टू जीरो, मतलब जब तक इसका डेटा मिलता रहेगा। नफरीत, आपने जो कंडीशन भेजी है वो गलत है, EOF एक कैरेक्टर है, आप फाइल को EOF से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपना स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब तक फाइल के अंदर मुझे एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता तब तक ये लूप रिपीट करता रहे, ठीक है ना, ठीक है, जब तक ये रिपीट करता रहे। एक्चुअली नवप्रीत, आपका स्टेटमेंट गलत है, आप पूछ रहे हो कि फाइल नॉट इक्वल टू ईओएफ, यहां पे फाइल जो है इसको मैं ईओएफ से कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज फाइल इज ए फाइल पॉइंटर जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, ईओएफ एक कैरेक्टर है, ईओएफ एक कैरेक्टर है, मैं फाइल पॉइंटर को कैरेक्टर से कैसे कंपेयर कर सकता हूं, एक एड्रेस को कैरेक्टर से कैसे कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है, ईओएफ इज ए कैरेक्टर, तभी तो मैंने FEOF फंक्शन यूज किया है। मैंने आपको दोनों अल्टरनेट बता दिए, या तो आप ईओएफ यूज करो, इसके लिए आपको कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर आप FUF यूज करो। अब यहां पे मैंने कहीं भी कैरेक्टर वेरिएबल तो क्रिएट किया नहीं है, इसीलिए मैंने FUF यूज किया, ठीक है। अब देखो मुझे स्कैन करना है अपने डेटा को, तो एफ स्कैनर लिखा मैंने, इसके अंदर मुझे क्या कहां से स्कैन करना है? फाइल से, क्योंकि देखो फाइल मेरी student.txt है। क्या स्कैन करना है? इंटीजर वैल्यूज, तो इसलिए मैंने यहां पे %d लिख दिया है, और किसके अंदर स्टोर करूंगा मैं? वेरिएबल i के अंदर, ठीक है ना। हिमानी, जहां आपने प्रोग्राम बनाया है फोन में वहीं पे सेव होगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको एफ स्कैनर। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एज यू कैन सी, ठीक है ना। ये देखो,
आप इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे सम एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको जीरो सेट कर देता हूँ. तो और उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस आई. अब देखो, जहां मैं पहले कीबोर्ड से इनपुट लेता था सम ऑफ एन नंबर्स के लिए, अब यहां पे मैंने फाइल से इनपुट लिया है. सम इज परसेंट डी कॉमा आई. अगर आप यहाँ पे पुटसी और गेटसी लगाते तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में आते, और अगर कैरेक्टर फॉर्मेट में आते तो मैं उनपे कैलकुलेशंस कैसे करता, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे आई की जो भी वैल्यूज है वो टोटल होके सम के अंदर स्टोर हो जाएंगी. और ये देखो सम इज 57 आई. अच्छा सॉरी, मैंने आई यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सम आएगा. हाँ हाँ वो ठीक है, 570. कोइंसिडेंस ये 570 आ गया टोटल इसका. नहीं यश, एक्चुअली आप देखो कि इस प्रोग्राम में मैं राइट और रीड दोनों कर रहा हूं. अगर मैं सिर्फ रीड के लिए यूज करता ना तो रिवाइंड यूज नहीं करता, ठीक है. अगर मुझे इसको रीड के लिए बनाना है तो मुझे देखो ये वाली लाइंस, आप हाईलाइटेड लाइंस देख रहे हो, इन लाइंस को रिमूव करना पड़ेगा. तो ये सिर्फ रीडिंग वाला हो जाएगा, फाइल रीड वाला हो जाएगा प्रोग्राम. अब बताओ किसी को कुछ पूछना है एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ में. आज अपन ने काफी फंक्शंस डिस्कस किए हैं. आज अपन ने पढ़ा है रिवाइंड के बारे में, आज अपन ने पढ़ा है एफ प्रिंटएफ के बारे में, एफ ईओएफ और एफ स्कैनएफ, ठीक है. काफी फंक्शंस पढ़े हैं, इसलिए ये जो प्रोग्राम है को जरूर कीजिएगा. एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं एज अ होमवर्क. क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुको. क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एम्प्लॉई नेम कॉमा सैलरी from emp.txt and print average of their salaries. ये क्वेश्चन आपको करना है. आपको क्या करना है, फाइल के अंदर एक फाइल पहले बनाओ, टेक्स्ट फाइल बनाओ, उसमें एम्प्लॉय का नाम और सैलरी होनी चाहिए, ठीक है. और फिर आपको उसके नाम और सैलरी को फाइल से प्रोग्राम में लेके आना है और उनकी सैलरीज का एवरेज निकालना है, ठीक है. क्वेश्चन नोट कर लिया. सो चलो मैं आप एक बार आपको फटाफट से एफ ईओ एफ के बारे में बता देता हूं. एफ ईओ एफ इज अ फंक्शन, इज अ इनबिल्ट फंक्शन, फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है जो कि एंड ऑफ फाइल कॉन्स्टेंट को ढूंढता है. एंड ऑफ फाइल वो कॉन्स्टेंट है जो फाइल के एंड में अपने आप आ जाता है, ठीक है ना. एंड ऑफ फाइल वो कॉन्स्टेंट है जो अपने आप फाइल के एंड में आ जाता है यहां पे 57 के बाद, ठीक है. तो एफ यू एफ इसको ढूंढता है. अगर इसे मिल जाता है तो ये क्या रिटर्न करता है, नॉन जीरो वैल्यू. क्या रिटर्न करता है, एक नॉन जीरो वैल्यू. तो यहां पे देखो मैंने लिखा है इक्वल टू जीरो. इसका मतलब यह है कि जब तक एफ यू एफ को डेटा मिलता रहे, क्योंकि नॉन जीरो का मतलब एंड ऑफ फाइल है, तो जीरो का मतलब क्या हुआ, डेटा है. तो जब तक इसे जीरो मिलता रहे, मतलब फाइल में डेटा है, तब तक ये क्या करता रहे, एफ स्कैन एफ करता रहे, प्रिंट एफ करता रहे और सम करता रहे, ठीक है. एफ स्कैन एफ आप पूछ रहे हो फिर से, तो एफ स्कैन एफ क्या करता है, एफ स्कैन एफ फाइल से डेटा रिट्रीव करता है वन बाय वन. और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को बताते हुए आप बता सकते हो कि कौन सा डेटा इसे रिट्रीव करना है. जैसे फाइल यहां पे लिखा मैंने, तो फाइल से मुझे कौन सी वैल्यू रिट्रीव करनी है, इंटीजर वैल्यू. और उसे मैं किसमें स्टोर करा रहा हूं, एड्रेस ऑफ आई के अंदर, ठीक है. अब आई के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी एक एक करके, जिसे मैं प्रिंट करवा रहा हूं और सम कर रहा हूं, ठीक है.
स्कैनएफ बिल्कुल एफ स्कैनएफ की तरह ही होता है, बस फर्क यह है कि स्कैनएफ कीबोर्ड से इनपुट लेता है, एफ स्कैनएफ कहां से इनपुट लेगा, यहां पे मैंने देखो क्या लिखा है, फाइल, फाइल से इनपुट ये लेगा। ओके, उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और भी अच्छी तरह से क्लियर